हेलो फ्रेंड्स, झारखंड लोकसभा आयोग JPSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है। और यह जो नोटिस है वह आपका झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर के है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन संख्या भी है। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट्स जो थे वो इंटरव्यू देने गए थे, उसके बाद फिर मेडिकल कराने के बाद में उनका जो है फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। और इसमें जो है 252 कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को बताता हूँ कि क्या है और इसमें क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स कितने पास किए हैं, ये आप लोग भी यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है दिनांक 9/5/2022 से दिनांक 16/5/2022 तक आयोजित साक्षात्कार के पश्चात झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या 1/2021 का अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है, जो आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 9 मई से लेकर के 16 मई तक आप लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद में आप लोगों का ये जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2021 का है और इसके लिए जो है वेबसाइट जो है आयोग का हुआ है www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो यहाँ पे अंतिम परीक्षाफल यानी कि फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं अगले पेजों में क्या है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हस्ताक्षर सचिव झारखंड लोकसभा आयोग रांची है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिटर्न एंड इंटरव्यू होने के बाद में फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। वह देखिए 10 पेज तक में है, आप लोगों को देखना है। तो रोल नंबर है दिया गया है, नाम दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कैटेगरी किस में हुआ है, साथ साथ में कौन सा अलॉट किया गया, उनको क्या चीज़ मिला है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें से कौन सा अंडर कैटेगरी में हुआ है ये भी आप लोगों को यहाँ पे दिखने में मिल जाएगा। तो देखिए जैसे इसका 12 नंबर पर है उसको सावित्री कुमारी, इसको BC में हुआ है और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुआ है और ये अनरिजर्व वाले कैटेगरी से इनका हुआ है। उसी प्रकार कुमार विनोद जो है उनका भी देखिए झारखंड पुलिस सर्विस में हुआ है, अनरिजर्व में है। ये आप लोगों को इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो है आप लोगों का सर्विस एलोटेड किया गया है यहाँ पर। और इस प्रकार से देखिए इस वाले जो पेज में ये टोटल है 28 है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए आगे में आप लोग जितना है सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 56 तक में है ये, उसके बाद में है आप लोगों को यहाँ पर भी आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे 112 नंबर तक में देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है। साथ साथ में अगर आप लोग लास्ट तक में जाते हैं इधर में तो आप लोग देखिए यहाँ पर भी देखिए राजीव रंजन है, अमित रविदास, इस प्रकार से देखिए लोगों किसमें सिलेक्टेड हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए ST SC वाले इधर अब स्टार्ट हो गया है इधर में, इधर भी देख सकते हैं। और फिर 195 हो गया है, इसके बाद में आप यहाँ 221 होने के बाद में यहाँ पे जो है लास्ट जो पेज है वो आप लोग देख सकते हैं 252 यानी कि टोटल 252 कैंडिडेट्स है, जिसमें से अनुज मुर्मू ST प्राइमरी कैटेगरी में ST में हुआ है और इनका जो है झारखंड प्रोबेशन सर्विसेज में हुआ है। तो देखिए ये है इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पे है सारी चीज़ें रांची दिया गया है, साथ साथ में 31 मई 2022 का है ये अपडेट कंक्लूडेड करके दिया गया है यहाँ पर। तो यही एक नया और इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो जितने भी कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं JPSC के वो अब यहाँ पर अपना परीक्षाफल रिजल्ट को देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी पोस्ट में आप लोगों को अलॉट किया गया है यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, तो देखिए ये जो अलॉटेड है यहाँ पर जाकर के अब आप लोग आराम से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। तो यही एक नया नोटिस है, 252 कैंडिडेट्स टोटल पास कर लिए गए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि फॉर्म भरे थे वो अब यहाँ पर 1/2021 के एडवर्टाइजमेंट के अनुसार उनका फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो यही एक नया और इम्पोर्टेंट नोटिस है, आप लोग यहाँ से भी जा करके देख सकते हैं।